दैट इज द फर्स्ट स्टेज वी हैव टू बी स्टार्ट अवर प्लानिंग प्रोसेस. इन द प्लानिंग फंक्शन मैनेजर स्टार्ट विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैथड्स आर फ्रेम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली. प्लानिंग में जो हमारा प्लानिंग फंक्शन होता है उसमें मैनेजर स्टार्ट करता है अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने से. हमारे ऑब्जेक्टिव हमें अपने ऑब्जेक्टिव किस तरीके से सेट करने हैं, जैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे हमारा प्लानिंग प्रोसेस उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारी पॉलिसीज सारे प्रोसीजर्स सारे मेथड ये सब हम इसीलिए फ्रेम करते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को टाइमली अचीव कर पाए. सो मैनेजर सेटअप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कीपिंग इन द माइंड द गोल्स एंड द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंपनी. जब मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है कंपनी के तो माइंड में बहुत क्लियर रखता है कि हमारे गोल क्या है, गोल हमें किस तरीके से अचीव करने हैं, उसके साथ साथ हमारे पास कौन सी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव क्विकली इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. जैसे प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा आपका एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो मैनेजर उन गोल को अचीव करने में सबसे पहले ट्राई आउट करता है जो इजीली अचीव हो जाते हैं. विद इन टाइम पीरियड में जो गोल इजीली अचीव हो जाएंगे उनको मैनेजर सबसे पहले प्रेफर करेगा. आफ्टर सेटिंग गोल्स आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय. जब हमारे गोल्स सेट हो जाते हैं तो उसको हम किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेट करते हैं. तो ये हमारा किसका पार्ट है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही हमारे गोल्स हमारे प्रोसीजर्स हमारी मेथड्स हमारी पॉलिसी ये सब कुछ हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो प्लानिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं. सेकेंड स्टेप दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसिस. प्रीमाइसिस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. प्रीमाइसिस क्या होता है, अजम्पशंस बनाना फ्यूचर को लेके क्या क्या चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी. प्रीमाइसिस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड. प्रीमाइसिस हमें बेस प्रोवाइड कराता है कि किसके बेस पर हमारे सारे प्लान्स बनेंगे. इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरकास्ट टू कीपिंग इन व्यू पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज. ये क्या है, ये एक फॉरकास्ट है जिसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को पास्ट इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को क्या हमारी पास में क्या पॉलिसीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं अपने प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं. देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन ऑल द अजम्पशन. हमारा टोटल एग्रीमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द अजम्पशन. अजम्पशन मीन्स फॉरकास्ट, हमें क्या फॉरकास्ट करना है. द अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल फॉरकास्टिंग. और ये सारे अजम्पशंस हमारे कैसे बनाए जाते हैं, फॉरकास्टिंग बेस पर बनाए जाते हैं कि हमारी सेल मे बी फ्यूचर में हमारी सेल 1 करोड़ हो सकती है या हमें 10% का प्रॉफिट हमें अर्न करना है. ये सब हमारे अजम्पशंस होते हैं, उसी के बेस पर हम प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं. फॉरकास्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. फॉरकास्टिंग क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का हमारी एक टेक्निक बोली जाती है, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना, कहते हैं ना पूर्वानुमान, पहले से हम एक एस्टिमेशन करके चलते हैं. तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की एक टेक्निक हमारी फॉरकास्टिंग बोली जाती है, उसी के बेस पर हम अपने सारे प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं. कॉमन फॉरकास्टिंग आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. जो कॉमन फॉरकास्टिंग होती है उसमें पता चलता है हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी कॉम्पिटिटर पॉलिसी में क्या चेंजेस आएंगे, टैक्स रेट में क्या क्या चेंजेस आएंगे एक्सेट्रा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस दैट इज लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. एज देयर कैन बी मेनी मैनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल द वे टू रीच द ऑब्जेक्टिव. जैसे ही हमने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है. सो वी हैव टू बी मेक अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट. एज देयर कैन बी मैनी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल द वे. हम अब ऑब्जेक्टिव को किन किन तरीकों से अचीव कर सकते हैं, मैनेजर को उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के सारे वेज के बारे में, हाउ टू वी अचीव अवर ऑब्जेक्टिव,
through the different ways. So manager must have total information about it. For example, if the objective is to increase the sale by 10%, then sale can be increased. अब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव, हमने डिसाइड किया हमें अपनी सेल को 10% बढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल. तो हम क्या कर सकते हैं सेल बढ़ाने के लिए? ऑल्टरनेटिव नंबर वन, एड मोर लाइन प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए, मे बी आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ जाए. नंबर टू, हम और माइंड में क्या ऑल्टरनेटिव लेकर आएंगे? डिस्काउंट प्रोवाइड करा दो. बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, दैट इज द बेटर वे टू इंक्रीज द सेल. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट बेटर कर दो. अगर हमने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया एडवर्टाइजमेंट पर, तो हमारा मे बी बहुत इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा, लोगों के माइंड पे परस्यू करेगा, वो हमारी गुड्स को मार्केट से परचेज करके लेकर आएंगे. बाय इंक्रीजिंग शेयर इन द मार्केट, मार्केट शेयर बढ़ा दीजिए अपना. मार्केट में शेयर आपका कम है, थोड़ा शेयर मार्केट में और बढ़ा दीजिए. प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा दीजिए, प्रोडक्ट का शेयर मार्केट में और बढ़ा दीजिए. देन बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन टू सेल द गुड्स डोर टू डोर. एक और क्या ऑल्टरनेटिव आएगा कि सेल्समैन अपॉइंट कर लेते हैं, चलिए वो डोर टू डोर जाकर घर घर जाके वो चीज़ों को सेल करेगा. सो मैनेजर लिस्ट आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव. इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड डिस्कस बिटवीन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमारा लग रहा है कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव को लेकर आए. जैसे मैंने ऑल्टरनेटिव का आपको एग्जाम्पल दिया, देन उसके बेस पर हम क्या करेंगे, सारे मेंबर से, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से उसको डिस्कस करेंगे. दैट इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव. वी हैव टू बी अचीव अवर ऑब्जेक्टिव थ्रू दीज ऑल्टरनेटिव. सो वी हैव टू बी मेक अ लिस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑल्टर. द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस इवेल्युएटिंग alternative course of action. After making the list of various alternative along with assumptions supporting them, the manager start evaluating each and every alternative and note down the positive and the negative aspect of every alternative. अब next क्या होगा, हमने different alternative की list बना लिया, हमें उसको evaluate करना है, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा. उसके साथ साथ कौन सा, हम अजम्पशंस भी लेकर चलते हैं कि हमें सपोर्ट ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेगा. तो मैनेजर क्या करता है, तुरंत ऑल्टरनेटिव के सारे एस्पेक्ट नोट कर लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है. आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑल्टरनेटिव विच हैव मोर नेगेटिव एस्पेक्ट. जैसे ही उसने सारे पॉइंट नोट डाउन करे, कौन सा हमें पॉजिटिविटी दे रहा है ऑल्टरनेटिव, कौन सा हमें नेगेटिविटी प्रोवाइड करा रहा है, मैनेजर तुरंत एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है ऐसे ऑल्टरनेटिव को जो सबसे ज़्यादा माइनस एस्पेक्ट लिए होता है. देन सेलेक्ट द मोस्ट फिजिबल अजम्पशन. देन फिर वो ऐसा अजम्पशन सेलेक्ट करता है, ऐसा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करता है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ होता है. सो वी हैव टू बी इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. That is the fourth step. Next, the fifth step is selecting an alternative. After making a list of different alternative and we have to be evaluate their negative and positive aspect, then after doing a feasible study, then the next step is selecting an alternative. After evaluation, the next step is best alternative to be selected. So there is no mathematical formula to selection of the alternative. हमारे पास कोई एक ऐसा mathematical formula नहीं है कि हमें alternative को select करना है तो कोई mathematical हम calculation करेंगे. There is no mathematical formula there. The most ideal plan is most feasible. जो हम plan select करेंगे वो बहुत ही feasible होना चाहिए, profitable होना चाहिए और उसमें negative consequences बहुत ही कम होने चाहिए. ऐसा plan नहीं हो तो जिसमें सारी positivity हो, कुछ ना कुछ drawbacks भी उसके रहेंगे. But सबसे कम drawback वाले plan को हम वहाँ पर select करेंगे, उस alternative को हम select करेंगे. After preparing the main plan, the organization has to make number of small plan टू सपोर्ट द मेन प्लान. जब हमने एक अपना मेन प्लान बना लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ते हैं. एक मेन प्लान बना, उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे प्लान बनाते चले जाते हैं. दीज प्लान ड्राइव फ्रॉम द मेजर प्लान, सो दे नोन एज डेरिवेटिव प्लान. ये प्लान हमारे मेजर प्लान
से निकल कर आए हैं, क्योंकि हमें मेजर प्लान बनाया है तो उसको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे प्लान बनाएंगे, तो इसी वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं, वी हैव टू बी कॉल्ड द डेरिवेटिव प्लान विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल प्लान टू कंप्लीट द मेजर प्लान, दैट इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ प्लान, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव प्लान. Now these plan are most must for accomplishing the objective of main plan. The common supportive plans are to plan to buy equipment. जो हमारा main common supportive plan क्या होगा? We have to be purchase equipment. हमें equipment purchase करने हैं. Plan for recruitment and selection of the employee. किस employee को select करना है? किसको recruit करना है? Plan for buy the raw material. ये सब चीजें हमारे क्या होते हैं? ये हमारे supportive plan बोले जाते हैं, जो हमारे main plan को कंप्लीट करते हैं. दैट्स व्हाई जो स्मॉल प्लान होंगे वो डेरिवेटिव प्लान बोले जाएंगे, जो मेजर प्लान होगा वो हमारा मोस्ट फीजिबल मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसमें बहुत ही कम होंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द सिक्स्थ स्टेप दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर बट देयर इज नो यूज ऑफ दिस प्लान अनलेस एंड अंटिल दीज आर पुट इनटू एक्शन. एक मैनेजर ने मेन प्लान बनाया, सपोर्टिव प्लान बनाए, पर जब तक वो केवल पेपर पे प्लान बनाने से काम नहीं करेगा, जब तक हम उसको प्रॉपर एक्शन में लेकर नहीं आते हैं. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉयज वेरी क्लियरली बिकॉज द एम्प्लॉयज एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान. जब हमने मेन प्लान बना लिया है, हम उसको एक्शन में लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लान को हमें अपने जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो मैनेजर तुरंत कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है जिससे एम्प्लॉयज को टोटल क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, उनको स्पेसिफिकेशन समझ में आए कि प्लान का मेन स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता चले. एंड ऑल द एक्टिविटी मस्ट बी डिवाइडेड, और सारी एक्टिविटी को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव पीपल में उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल If the plan is to increase in sale by increasing the expenditure on advertisement, then to put into action, the manager must allow more fund to advertisement department, select the better media, hiring a better advertisement agency. Second example is this. If there is plan to increase the productivity, then more labor is required, more machinery will be required. It means, जब हमने सारे प्लान और उनके एक्टिविटी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पीपल को हमने उसको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, उन प्लान को हम डिवाइड कर देते हैं जिससे मेन प्लान के अकॉर्डिंग और सपोर्टिव प्लान के अकॉर्डिंग सारे प्लान को एक्शंस में लेकर आया जाए. दैट इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. जैसे हमने प्लान बनाया कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा लेबर की जरूरत हो सकती है, या फिर हमें मशीनरी परचेज करनी है, इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है. दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. द लास्ट एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज फॉलो अप द एक्शन. फॉलो अप द एक्शन. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो द मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. मैनेजर का प्लान केवल उसको एक्शन में लाकर ही, प्लान को एक्शन में लाकर ही उसकी जॉब कंप्लीट नहीं होती है. द मैनेजर मस्ट मॉनिटर द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंटिंग. जब हम किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो मैनेजर को उसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए, उसकी देखभाल बहुत ढंग से करनी चाहिए, जिससे समझ में आए कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, प्लान कैसे आगे चलेगा, प्लान में क्या होना है, उसको केयरफुली उसको क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए. बिकॉज इज हेल्प टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन ऑफ प्लान आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट. क्यों? क्योंकि उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो हम प्लान बना रहे हैं वो प्रेजेंट कंडीशन में हमारी वर्क करेगी या नहीं करेगी. तो ये क्या बोला जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉलो अप ऑफ एक्शन. देन वी हैव टू बी टेक सम एग्जांपल. इफ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड द 5% इन्फ्लेशन रेट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, इफ द इन्फ्लेशन रेट राइजेज बाय 10, देन ड्यूरिंग फॉलो अप द मैनेजर मेक चेंज इन दिस प्लान अकॉर्डिंग टू द 10% ऑफ इन्फ्लेशन रेट. जैसे हमने प्लान बनाया तो हमारी जब इन्फ्लेशन रेट था वो 5% था, जब हम उस प्लान को
फॉलो अप करा रहे थे तो जो इन्फ्लेशन रेट, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% हुआ, तो तुरंत मैनेजर ने उसमें उसको मॉनिटर किया, मॉनिटर करने के साथ वो चेंज लेकर आया, उसने 10% इन्फ्लेशन रेट के साथ में एक्शन को फॉलो अप कराया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स सेट द टारगेट एंड द एंड रिजल्ट, वी हैव टू बी रीच अवर एंड रिजल्ट। डेवलपिंग पैरामीटर्स, we have to be make assumptions, we have to be make predictions regarding the future. The third point is this, listing various alternative for achieving the objective, that is finding the various options available to achieve objective. आपके पास different alternative available होने चाहिए, options होने चाहिए अपने objective को achieve करने के लिए. Then evaluation of the different alternative, comparing all the available option with their pros and cons. सारे जितने भी हमारे alternatives हैं उनको proper positive and negative points के साथ में check out करना. Next, then selecting the best alternative. Then we have to be select the three alternative, we have to be select the combination of the two alternative which provide better result and achieving our goal also. Then putting the plan into action, doing work as per direction of the plan, that is called the implementation of the plan. Then last, follow up, checking, keeping and to find out whether the plan are working according to the conditions or situations or not in present and future. That is, that's all. Thank you.